नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शोभन आश्रम का फूल दर्शन कराएंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से वहां के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए हम चलते हैं शोभन आश्रम की तरफ। दोस्तों शोभन आश्रम आप कई रूट के माध्यम से जा सकते हैं, जैसे कि आप मंदना के रास्ते से भी जा सकते हैं या तो कल्याणपुर के रास्ते से भी जा सकते हैं। हम आपको मंदना के रास्ते लेके चलेंगे। मंदना जो कि कानपुर नगर से सेंट्रल से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग। चलिए वीडियो को म्यूजिक के माध्यम से एंजॉय कीजिए। I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose. दोस्तों, हम शोभन आश्रम पहुंच चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। यहां पे श्री हनुमानगढ़ी का भी मंदिर है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसमें आपको हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कहानी भी बताएंगे, आखिर यहाँ की कहानी क्या है, आखिर राज क्या है। आप देखिए वीडियो को। आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। बाकी आराम से बैठना, पानी पीना, हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। शोभन आश्रम में ब्रह्मलीन हुए श्री 1008 स्वामी विरक्त नंद जी महाराज को कानपुर ही नहीं, आसपास के ज़िले में शोभन सरकार के नाम से भक्त पुकारते थे। उनके तमाम भक्ति ने अपने वाहनों पर शोभन सरकार भी लिखवा रखा है। भक्त उन्हें सरकार के रूप में मानते थे। स्वामी जी ने भी भक्त के लिए हठ धर्मिता को हथियार बनाया था। शोभन ही नहीं बल्कि उन्नाव, फतेहपुर और चित्रकूट में स्वामी जी ने न केवल मंदिरों की स्थापना की बल्कि समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। कानपुर नगर से करीब 35 किलोमीटर दूर टाउन एरिया सिवली से पांडू नदी बहती है। करीब 15 साल पहले एक हालात यह थे कि तटवर्ती गांवों में नदी का पानी भी नहीं आ रहा था। कारण था कि नदी की गहराई अधिक थी और किसान के खेत की ऊंचाई पर थे। किनारे स्थित खेतों के किसान तो पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई कर लेते थे, पर दूरस्थ गाँव के लोग बारिश पर ही निर्भर थे। पानी की कमी से धीरे धीरे खेत बंजर होते जा रहा था। शोभन सरकार से समस्या देखी नहीं गई तो उन्होंने भागीरथ प्रयास से क्षेत्रों में मानो गंगा ही उतर आई। उन्होंने पब्लिक कैनाल परियोजना को साकार करके बंजर भूमि को नवजीवन दिया था। पब्लिक कैनाल का निर्माण शुरू कराया। यह देख आसपास के गांवों के ग्रामीण भी
श्रमदान के लिए साथ आने लगे। बिना किसी सरकारी मदद से करीब 30 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी व 250 मजदूर काम पर लग गए। 3 माह में ही पब्लिक कैनाल व 3 झीलों का निर्माण हो गया। कैनाल में पानी की कमी न रहे इसके लिए शोभन सरकार के निर्देश पर तली से 10 फीट और मुहाने से 15 फीट चौड़ाई वाले नहर के लिए पांडु नदी में लगाए पंपिंग सेट से 2.5 किमी पर 5 मीटर गहरी झील बनाई गई। शोभन गांव निवासी मुनील शुक्ला व अन्य लोग का मानना है कि कैनाल निर्माण में न तो इंजीनियर और न ही किसी विशेषज्ञ की मदद ली गई। कैनाल के लिए शोभन सरकार ने प्रदेश सरकार को विद्युत कनेक्शन के लिए कई प्रस्ताव भेजे। काफ़ी समय तक सुनवाई न हुई तो उन्होंने अपनी हठधर्मिता के पैगाम जैसा भेजा तो अफसर और नेता दौड़े आए। तत्कालीन सरकार के वरिष्ठ नेताओं के अनुमोदन पर अफसरों ने तत्काल पंप कैनाल के लिए विद्युत कनेक्शन कराया। कैनाल शुरू हो जाने के बाद 40 से अधिक गाँवों में राहत मिली। आज शोभन, बैरिया, दरियाव, जुगराजपुर, कल्याणपुर, हृदयपुर, रुद्रापुर, असई, अनूपपुर, बैरीबास्ता, सिंहपुर, ललऊपुरवा, डागनापुरवा, गंभीरपुर, पर्वतापुरवा एवं धुंधुपुर समेत 40 से अधिक गांवों के किसान को हर समय पानी उपलब्ध रहता है और लोग वहां खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, शोभन सरकार की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को म्यूजिक के माध्यम से अंत तक देखिए। और यहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, अगर आप कानपुर के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो के माध्यम से वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शोभन सरकार। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. दोस्तों, अब करते हैं वीडियो की समाप्ति। वीडियो के अंत में यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय शोभन सरकार जरूर लिख दीजिएगा।